नमस्कार, मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रीतु आपसे बात कर रही हूँ। हमारे साथ है बॉलीवुड के फेमस एक्टर शक्ति कपूर जी। शक्ति कपूर जी, मेट्रो टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि आप अभी बॉलीवुड में सुपर डुपर हिट्स दिए हैं, ठीक है, तो आप अभी बॉलीवुड से जॉलीवुड को एंट्री कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है सर? सबसे पहले दर्शकों को शक्ति कपूर का नमस्कार, मेट्रो वालों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। ये जो सवाल है ये हमेशा हर टीवी चैनल वाला पूछता है कि आप बॉलीवुड में थे, अभी इधर क्या कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये उड़ीसा है, ये जगन्नाथ की नगरी है, यहाँ पर अच्छे लोग हैं, यहाँ पे कला की इज्जत होती है। और मैं हमेशा पैसे के पीछे नहीं दौड़ा हूँ, एक आर्ट के पीछे दौड़ा हूँ। एंड यहाँ का जो ओपेरा है ये बहुत अच्छा है, बजट अच्छा है, लोग मेहनत करते हैं, और समवेयर इट रिमाइंड्स यू कि आप ये इंटरनेशनली मंच पे देख रहे हैं। जो हम लोग कभी पेरिस में जाते हैं स्टेज पे ओपेरा देखते हैं, लंदन में देखते हैं। जैसे कि हम आपको जानते हैं कि आप पहले भी उड़िया मूवी कर चुके हैं, तो अभी आप उड़िया यात्रा में एंट्री किए हैं, तो उड़िया मूवी और उड़िया यात्रा में क्या फर्क आप देखें? इसको कोई लोग ओपेरा बोलते हैं, कोई लोग यात्रा बोलते हैं, मेरे हिसाब से दोनों नाम अच्छे हैं। लेकिन ये जो ओड़िशा में ओड़िया में करते हैं, ये थोड़ा सा यात्रा से इसको ऊपर स्टैंडर्ड है, इसको इसलिए आजकल ओपेरा बोलते हैं। जी जी, मैंने हर भाषा में फिल्म की है, मेरा रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में। मे बी आई एम द ओनली एक्टर जिसने जितनी हिंदुस्तान में लैंग्वेजेस हैं हर लैंग्वेज में फिल्म की है। बंगाली की है, भोजपुरी की है, नेपाली की है, बांग्लादेशी की है, ओरिया की है, और मुझे हर कल्चर से प्यार है। और आपका जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो आई लाइक यू पीपल, यू पीपल आर ग्रेट, यू वेरी हम्बल। ये पहली सिटी है मैंने जो वर्ल्ड में देखी है जहाँ पर लोग गुड मॉर्निंग के साथ हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार। पहले नमस्कार बोलेंगे फिर गुड मॉर्निंग बोलेंगे जी। और जो भी करता है नमस्कार करता है, तो ये अदब मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो ये लोग रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि जॉलीवुड में सर बहुत सारे कंपनीज इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप ईस्टर्न मीडिया क्यों सिलेक्ट किए सर? ईस्टर्न मीडिया मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि जो इनके डायरेक्टर हैं उनसे नेक आदमी मैंने नहीं देखा, और जो मुझे स्टोरी सुनाने बॉम्बे में आए थे मालिया साहब जी, वो बहुत कमाल के हैं। और मैं क्योंकि सारी ज़िंदगी इसी प्रोफेशन में कट गई, फिल्मों में, लोगों से मिलने में, तो 99.9% मेरी इंट्यूशन लोगों को मिल के उनके बारे में करेक्ट जाती है जी। तो मेरे दिल ने कहा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, और जब मैं आया नहीं था भुवनेश्वर में, इधर आया नहीं था, लेकिन आने के बाद मुझे लगा ये लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत बड़े भी हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिलीज हियर, सो आई हैव नो रिग्रेट्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय चॉइस कि मैंने इनको सेलेक्ट किया जिनके लिए मैं काम करूँगा। हम जानते हैं कि जॉलीवुड इंडस्ट्री में आप काफी काम कर रहे हो, तो इसका फ्यूचर आप किस नज़र से देखते हो, और क्या क्या करने से और भी इम्प्रूवमेंट हो पाएगा इस इंडस्ट्री का? मैं ये बोल रहा था इनको जो जॉलीवुड बोलते हैं ना जी जी, कि एक तो ये ओपेरा का टाइमिंग है, ये रात को 11:30-12:00 शुरू करते हैं, उस टाइम तक तो मैं 3 घंटे सो चुका होता हूँ जी। और यहाँ पे यात्रा शुरू होती है, मैं एक तो थोड़ा टाइम टेबल थोड़ा सा अर्ली कर लूँ जी। बोले नहीं, यहाँ का पुराना कल्चर है जी, कि लोग घर से खा पी के निकलते हैं और फिर आके यात्रा में बैठते हैं, और सुबह 4-5-6 बजे घर जाते हैं, दूर दूर गाँव से आते हैं, फिर सोते हैं पूरा दिन भर, फिर शाम को उठते हैं। मैंने कहा अगर आप टाइम टेबल ठीक कर लोगे, उनको आदत डालने के लिए थोड़ा सा आपको उनको प्रोफेशनली भी रिस्क लेना पड़ेगा, एक दो बारी थोड़े आपके थिएटर खाली जाएंगे, लोग नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद जब लोगों को पता चलेगा कि यही फिक्स टाइमिंग है जी। तो 8 बजे शुरू करो, 12 बजे ख़त्म कर दो, या 6 बजे शाम को शुरू करो, 10 बजे ख़त्म कर दो। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि
अगर रात के 2 बजे खत्म करेंगे या 1 बजे खत्म करेंगे, लोग घर कैसे जाएंगे? जी जी। तो इसलिए जब सुबह 4-5 बज जाते हैं तो बसें शुरू हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाती है, तो उनके लिए वो सहूलियत है। तो फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आप जॉलीवुड के बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किए हैं, तो सभी आर्टिस्ट के लिए आपका क्या मैसेजेस रहेगा? जॉलीवुड में जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, सबके लिए क्या मैसेज? मैंने जो हमारे इस कंपनी के चेयरमैन हैं, हमारे माल्या साहब हैं, उनको बोला कि मैं तो आऊँगा, 1 साल का मेरा शायद अग्रीमेंट है, मगर जब जब आऊँ तो बीच में कोई फिल्म भी शुरू कर लो जिसके अंदर मैं 4 दिन एक शेड्यूल में शूट करूँ 4 दिन, क्योंकि यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री अभी उतना ऊँचाई पर नहीं है, बजट भी थोड़े कम है। तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए थोड़े हो सकता है बॉलीवुड के एक्टरों की भी ज़रूरत पड़े, मिक्स करके फिल्में बनाएं और लोगों को फिर आदत पड़ेगी थिएटर में जाने की। अच्छे यहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस खोलें जी। अच्छे शॉपिंग मॉल्स होएं और शॉपिंग मॉल्स में मल्टीप्लेक्सेस हों, लोगों को थोड़ी आदत डालो थिएटर में मल्टीप्लेक्सेस में जाने की जी। थोड़ा उनको खर्चा करने की आदत डालो और थोड़ी पिक्चरें अच्छी बनाओ। आपका जो ये यात्रा है ये बहुत ऊँचे स्टैंडर्ड का है, और कितने एक्टर जो आपके जॉलीवुड के हैं सब यात्रा में ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ बन नहीं रहा उनका जी। और यहाँ पर फाइनेंस भी अच्छा है, हर एक्टर के पास गाड़ी है, हर एक्टर के पास बंगला है, लवली है, बहुत बढ़िया है जो यहाँ का बजटिंग है। बट फिल्मों को अगर आगे लाना है तो लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा, फिल्म स्टूडियो बनाना पड़ेगा। जैसे इन लोगों को देखो, ये कॉर्पोरेट है, इन्होंने पूरा फ्लोर बनाया, रिकॉर्डिंग है, अभी मैंने गाना भी गाया है। गा दिया मैंने, सुनाएंगे क्या गाए? अरे तुम सुनोगे तो पागल हो जाएगी, मुझे पूछना पड़ेगा मेरे डायरेक्टर से। थोड़ा सा गा लीजिए, क्या गाए? उछलती जवानी को जो करता है चूर चूर, लड़की पटाने में जिसका किस्सा है बहुत मशहूर, उसे कहते हैं सेक्सी शक्ति कपूर। जी, तो आपके अभी बेटी जो है श्रद्धा कपूर जी, वो अभी फेमस एक्ट्रेस है बॉलीवुड में, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? दुनिया में एक पिता ही होता है जो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी औलाद उसे आगे निकले जी। तो मेरी बेटी तो मुझसे बहुत आगे निकलेगी, गॉड ब्लेस हर, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी इज वेरी वेरी गुड। सर, आप बॉलीवुड में इतना सारा बेस्ट डायलॉग बोले हो, तो ओडिया में तो आप अभी यात्रा किए हो, तो अभी रिहर्सल कर रहा हूँ, एक डायलॉग सर ओडिया में हमारे व्यूअर्स के लिए, मेट्रो टीवी व्यूअर्स के लिए। जय जगन्नाथ। बाकी जो अभी मुझे देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि मेरी जो यात्रा है इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ ओडिया बोलने की, पर ज्यादातर मेरे डायलॉग्स हिंदी में है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा, हिंदी सुनो ना यार, हिंदी तो सबको समझ में आती है। तो जैसे कि हमारे साथ थे शक्ति कपूर जी, और वो हमारे साथ इतने टाइम थे, इसलिए हम उनको बहुत सारा धन्यवाद बोलना चाहेंगे। तो मेट्रो चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं, आप आम जनता की तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।